हम जानते हैं कि आदिवासियों की चर्चा तो बहुत लोगों ने की, आदिवासियों के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सी बातें की, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मतिथि को अगर किसी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया, यह भी हमको ध्यान रखना है। हम यह भी जानते हैं कि अटल जी ने झारखंड का प्रदेश बनाया। मुझे अपना बचपन याद है, उस समय हम उसको उत्तरांचल कहते थे और वनांचल कहते थे। ये लड़ाई वनांचल की और उत्तरांचल की लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कांग्रेस में दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के कानों में पड़ करके भी इन्होंने जैसे कान में रुई डाल रखी हो, कभी सुनने का नाम न लिया हो, कभी भावनाओं के बारे में सोचा ना हो, इस तरीके की स्थिति भी हमने यहां झारखंड में भी देखी और उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल में भी देखी। लेकिन ये भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यहां पर झारखंड की स्थापना की और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की स्थापना की और दो नए प्रदेश बना करके दिए, ये भी हम सबको ध्यान रखें। इसलिए कहने वाले कई कुछ कहते हैं, लेकिन झारखंड के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा याद किए जाएंगे, जिन्होंने झारखंड को बनाने में सर्वस्व लगाया, योगदान किया, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि झारखंड की संस्कृति, झारखंड के कल्चर, झारखंड का कार्य करने का तरीका, इसको संरक्षित करने का काम, अगर झारखंड की संस्कृति को संरक्षित करने का काम, उसको गौरव का स्थान देने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो किसी और सरकार ने नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए।